बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक बहन ने रात को मुझे व्हाट्सएप कॉल की थी जी, कि आपने वो जो हमें बताया डिश वॉश का फार्मूला, तो वो आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो आप बराए मेहरबानी फिर हमें बता कर बना कर भेजें। तो आज जो उस बहन की, मुझे पता नहीं कहाँ से है वो, उसका ताल्लुक है, लेकिन ये है कि आज की वीडियो उनकी उस पर बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेंगे। अच्छा, पहले मैंने जो है बी डब्ल्यू एल के मदद से बनाई थी, तो आज हम अपना नया जो है, ये जो नया हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड 126, तो इसकी मदद से बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो ये एक 100 ग्राम मैंने ले लिया है कंपाउंड 126 कंपाउंड ले लिए 100 ग्राम। तो इसमें अभी हम H2O मिलाएंगे पानी। आप इसकी जगह पर SLES जो आपको अवेलेबल हो, BWL हो, SLES हो, जो भी हो, तो आप उसके साथ ही बनाए। ये देख लें, ये मैंने डाला है 100 ग्राम मैंने डाला है जी, ये कंपाउंड 126 126 प्लस, ये बेहतरीन की जाएगी। और इसमें अब हम पानी डालेंगे, हमने जो पानी डाला था उसमें BWL में वो एक था, तो इसमें अब हम पानी डालेंगे 1/4 से, क्योंकि ये गाढ़ा है और इसकी जो है तो वो ताकत ज़्यादा है। तो 100 ग्राम हमने ये डाल दिया और तकरीबन हम ये देखें, ये हमने 400 ग्राम ml इसमें पानी डाल दिया। 100 ग्राम हमने ले लिया जी 125 कंपाउंड 125 प्लस। आप SLES ले सकते हैं, BWL ले सकते हैं, लेकिन फिर उसकी जो है उसके मुताबिक आपने उसको पानी ज़्यादा और कम करना। तो मैंने कंपाउंड 126 ले लिया है 100 ग्राम और इसमें 400 ml मैंने पानी डाल दिया। तो ये चूँकि है, इसको अभी मिक्स कर देंगे, मिक्स हो जाए, मिक्स करके आपको फिर शुरू करता हूँ। ये जी मैंने इसको अभी मिक्स कर दिया, इसने मिक्स होने में थोड़ा टाइम लिया है। और ये है कि देखे, ये चार इसमें से मैंने पानी डाल दिया, लेकिन फिर भी इसमें वह है अभी भी गाढ़ा है। तो ये चार इसे मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसने बेहतरीन अभी मिक्सी में इतिजा कर दिया जी। हालाँकि BWL जो है तो उसे मैंने बनाया था, उसमें इतिजाग नहीं की। बहरहाल, तो ये अभी हमने डाल दिया, ये मिक्स कर दिया, इसको क्या कहते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे, मेरे पास एप्पल ग्रीन है, एप्पल ग्रीन कलर, ये आपने जो भी हो, ये फूड कलर जिस रंग का आपको चाहिए वो डाल दे थोड़ा सा। तो मैं तो अभी ये फूड कलर ग्रीन, एप्पल ग्रीन है, ये थोड़ा सा डाल दीजिए, जिसमें आप चाहें जो कलर आप चाहें, लेकिन फूड कलर डालने। अच्छा, पहला हो गया ये कंपाउंड 126 100 ग्राम, और फिर हमने 400 लीटर इसमें ml जो है तो वो पानी डाल दिए और इसको मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद ये कलर अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें, ये कलर से जी देखें, ये गाढ़ा है, अभी मुझे महसूस हो रहा है ये गाढ़ा है। तो ये तो अभी तकरीबन हो गया, तैयार हो गया, लेकिन इसको अभी मज़ीद हमने गाढ़ा करने है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो गाढ़ा करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपने नमक डालना है और एक थिकनर होता है, वो भी महंगा है, और थिकनर आपने डाल दिया तो फिर अगर नमक डाल दें तो फिर थिकनर काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखें। तो मैं इसमें देखें, ये अब भी गाढ़ा महसूस हो रहा है। अच्छा, ये हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन एक 10 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तदाद, तो ये 10 है, तो अभी हम इसमें ये डालते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एक 10 ml इसको गाढ़ा करने के लिए। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 5 ml थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं। तो इसको मिक्स करते, ये देखिए, ये देखिए, देखिए जी आपको महसूस हो रहा है, ये बेहतरीन चीज़ बन गई और बहुत गाढ़ा बन गया। मतलब है अगर आप इसमें पानी को और भी डालें तो ये देखें, ऐसे BWL और SLES से ये बिल्कुल नहीं बनते। ये बिल्कुल देखिए कैसी चीज़ तैयार हो गई। तो इसकी जो है तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आशा से भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहन ने कहा था आप बहुत तेज़ बोलते हैं और हमें समझ नहीं पड़ती, और ये एक बेहतरीन चीज़ बनी है जी। ये मैंने पहली बार दफ़ा ये कंपाउंड 126 से बनाया है और ये बेहतरीन चीज़ बन गई है। देखें ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये देख रहे नज़र आ रहे हैं, बहुत गाढ़ा पड़ रहा है। तो उम्मीद है ये भी थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन चलें आपका मैंने कहा समझ पा लिया। अस्सलाम वालेकुम।